देखिए ये आयोजन हम कह सकते हैं कि आग लगने के पहले जो धुआं उठता है ये दरअसल लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर 5 साल पे जिस तरह से जनता की उदासी को, जनता के प्रति क्रोध को शमन करने की एक व्यवस्था है जो लोकतंत्र, तो इसमें क्या होता है कि शुरू में हम ज्ञापन देते हैं और हम जो है कई तकनीकें अपनाते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिल करके संसद में सवाल उठाने की बात करते हैं। थोड़ा आपने जैसा कि बीच में कहा भी था कि थोड़ा लेट हुआ है, लेट नहीं हुआ है। दरअसल क्या है कि पूरे देश को में इतना बांट करके रखा गया है लोगों को कि पूरे विश्वविद्यालय के लोग जब तक एक साथ नहीं इकट्ठा होंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। तो आज आप उसका एक उदाहरण देख पाए होंगे कि 7-8 विश्वविद्यालयों से लोग आए हैं और वहाँ के और तमाम लोग उन्होंने अपनी शुभकामनाएँ और सदिच्छाएँ भेजी हैं, तो ये एक एकता बनती हुई नज़र आ रही है। और जैसा कि जो इस पूरे बिगुल को जो फूंका है हमारे सीनियर लीडरों ने, तो इनके निगहबानी में भी और हमारे जोश और खरोश से ये आंदोलन, मुझे लगता है कि अब हम रोस्टर उसको वापस करा लेंगे। 15 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है, आगे सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए धीरे धीरे जो है रंग चढ़ रहा है ना। मेहंदी जो है जब वो पहले जो है हरी होती है, फिर इसमें सुखाया जाता है, फिर इसमें पानी डाल करके फिर लगाया जाता है। आपने देखा कि हमारा 16 दिन का आंदोलन था, उसके बाद फिर 1 दिन का हमारा उपवास भी था, फिर उसके बाद 1 दिन का जो है हमारा कैंडल मार्च था। कैंडल मार्च के बाद विश्वविद्यालय में एक बड़ी रैली, और रैली के बाद आज देखिए देश भर से जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि थे, छात्र प्रतिनिधि, जिन्होंने एक ही आवाज़ में कहा कि अब ये भीड़ जो है संसद पर जाएगी और रोस्टर और रोजगार, दो चीज़ें उन्होंने कहा है, दोनों RR है, रोस्टर और रोजगार। ये दोनों चीज़ें जो है, जहां मोदी जी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सुना नहीं गया है। पिछले 4 सालों में केवल लफाजी हुई है, बातचीत हुई है, सूचनाएं दी गई है, सोचा नहीं गया है इस रोजगार के बारे में। तो यहाँ से एक नया, जो आज नया इतिहास लिखा जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये हमने इसको भीम चौक के नाम से ये नाम दे दिया गया है, भीम चौक। ये आर्ट्स फैकल्टी के सामने वाले आर्ट्स फैकल्टी को, अब आर्ट्स फैकल्टी नाम छोड़ दीजिए, अब इसको हमने भीम चौक, जंतर मंतर और भीम चौक के नाम से आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ जो लोग जो है लंबे समय से ये कहते थे कि यहाँ जो है आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सामाजिक न्याय की किस तरह से बयार जो है यहाँ पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में फैल रही है, तो हमने पहले वहाँ ज्योतिबा फुले चौक रखा, सावित्रीबाई फुले चौक रखा, अब यहाँ इस चौक को हम भीम चौक के आने वाले समय में जानेंगे, और यहाँ से एक नई आवाज़ जो है वो संसद तक भी जाएगी। जिग्नेश मेवानी जी जो आए हैं गुजरात से, वो वहाँ भी उठाएंगे, दूसरी जगह भी उठा रहे हैं, शरद यादव जी, अली अनवर जी, पूरे देश भर के अंदर ये आवाज़ अब चुप रहने वाली नहीं है, बल्कि और तेज़ धार से जो है उठेगी। सुमन साहब, अभी एक हमारे जो मंत्री जी हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर भवन के अंदर बोल रहे थे कि जो UGC का जो 5 तारीख का लेटर है इसको हमने वापस करा दिया है, उनका समर्थन करने के लिए एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौहान साहब कह रहे थे कि कोर्ट की कुछ प्रक्रिया है, क्या आश्वासन, मतलब आप इसको सही मानते हैं? देखिए ये बिल्कुल वो जो झूठ बोल रहे हैं, हमें मुझे कहना नहीं चाहिए कि जब 5 तारीख का सर्कुलर जो है वो आया कहाँ से है, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने उस सर्कुलर को जो उसने जारी किया है वो वापस ले सकता है? वही जज हो जिन्होंने पहले कह दिया कि रिजर्वेशन ख़त्म, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर बनेगा, क्या वो जज अब फिर कह सकता है कि नहीं मैं वही जो पहले था उसी रोस्टर को स्वीकार करता हूँ? ये गलत है। अगर सरकार की मंशा जो है साफ होती तो एक जो है पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक लाते, विधेयक भी नहीं लाते तो हमारे HRD मंत्री जो है वो UGC को एक डायरेक्शन देते कि जो है आप इस सर्कुलर को जो है वापस लीजिए और जो परंपरा पहले चली आ रही थी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए 200 पॉइंट रोस्टर जो है डिपार्टमेंट वाइज नहीं बल्कि 200 पॉइंट रोस्टर जो है वो चलेगा सीनियरिटी के आधार पर, कॉलेज एज ए यूनिट, अदरवाइज जो है उसको वापस करते तो हम जो है मानते कि हाँ खुशियाँ मनाई जा रही है सरकार की ओर से। तो ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। अब तो और पेचीदा बना दिया गया है इस मामले को, यानी कि लंबे समय तक चलता रहेगा। सरकार ये कहती रहेगी कि हमने जो है SLP डाल दी है, और SLP डालने के बाद जो हमारे कुछ लोग इस
इस बहकावे में आ रहे हैं कि वापस हो जाएगा, एक प्रक्रिया होती है कोर्ट की भी, डेट पर वो है ना एक किसी रिव्यू पिटीशन की डेट भी उन्हीं के द्वारा, जो है पहले जो है वो बोले नहीं, वो भी तो देखिए सरकार भी उसमें इन्वॉल्व थी, यूजीसी भी इन्वॉल्व था, अब वो किस मुँह से कहेंगे कि आप इसको वापस लीजिए, यानी कि डेट के बाद डेट के बाद डेट जो दूसरी डेट चलती रहेगी, तब तक आप देखिए 10 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं, एक जगह सिर्फ ओबीसी की पोस्ट आई है, जहाँ एक जगह 62 पोस्ट थी 62 में से एक आई, जहाँ होने चाहिए थे 62 में से कितने 31 SC ST ओबीसी के पोस्ट होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार अपना जो है एजेंडा क्लियर कर रही है कि जब तक जो है ये सर्कुलर वापस नहीं होगा, हम अपने जो लोग हैं वो सारे के सारे लगा दिए जाएंगे। 15 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जिसमें से 7.5 लाख वैकेंसी SC ST OBC की है, वो तो बेचारे जो है देखते रह जाएंगे कि हमारी पोस्टें कब आएंगी और ये अपना जो है काम कर जाएंगे तब तक। तो ये एक खाली सगुफा है कि ये वापस हो गया, कुछ वापस नहीं हुआ है। लेकिन सर ये मंत्री लोग ऐसे एक आम पब्लिक में आके ऐसे बोलते हैं और पब्लिक को गुमराह करने वाली बात, अर्जुन मेघवाल जी बोल रहे थे, मैं सीधा सीधा नाम बता दूं, अर्जुन मेघवाल जी ने अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर भवन 15 जनपद में बोला है। सर देखिए नेताओं का काम है उद्घाटन भाषण और आश्वासन, तो आश्वासन दिए हैं उन्होंने, अब वो हो या ना हो जी, देखिए उद्घाटन करेंगे नेता तो फिर आप बढ़िया सा लच्छेदार भाषण दे जाएंगे और भाषण के बाद जो है आश्वासन, तो ये आश्वासन है। यदि मान लीजिए वो मंत्री महोदय, मैं उनसे भी मिला था अर्जुन सिंह मेघवाल जी से, मैंने भी अपना वो ज्ञापन दिया है, यदि मान लीजिए वो वापस हो गया है तो मैं मंत्री जी का दिल्ली विश्वविद्यालय में सम्मान के साथ उनका स्वागत कराऊंगा, यदि वो ये कहे लिखित में दे सरकार के सामने लिखित में गजट के अनुसार गजट नोटिफिकेशन जारी कराए कि हाँ ये वापस हो चुका है, तो ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज पूरा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का लाखों की संख्या में मंत्री महोदय का सम्मान करेगा, उनको स्वागत करेगा कि हाँ आपने ये वापस करा दिया। धन्यवाद सर।